चांद के खिलाफ। आप में से कई भाई बहनों को याद होगा, आपने तो शायद उनको देखा भी होगा। भरत सम्माननीय जयप्रकाश सिंह ने 1977 में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया था कि उस समय की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, श्रीमती इंदिरा गांधी। पहले तो श्रीमती गांधी ने उस आंदोलन को खत्म करने के लिए इमरजेंसी लगाई, मीसा लगाई, DIR लगाया, 1,00,000 आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। फिर भी आंदोलन ना दबा ना रुका, ना जयप्रकाश जी ने सरेंडर किया, ना आंदोलन बंद हुआ, चलता ही रहा। और एक दिन वो आंदोलन सफल हुआ, श्रीमती गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद चुनाव हुआ तो सारे देश में जयप्रकाश जी घूमे और घूम घूम कर लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सांसद चाहिए जो संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। और आपको मालूम है भारत की जनता ने परम सम्माननीय जयप्रकाश जी को 377 सांसद चुनकर दिए। जयप्रकाश जी के पास कोई पार्टी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, फिर भी 377 सांसद उनके जीत कर आए। पार्टी बाद में बनी, सांसद पहले जीते। आपको मालूम है जनता पार्टी बनी थी, लेकिन वो बाद में बनी, सांसद पहले जीत गए। तो मेरा ये कहना है कि भारत के लोग अगर सम्माननीय जयप्रकाश जी को 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं दे सकते लोग? परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को तो आराम से 400 सांसद मिल सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ इस अभियान में 70 से ज्यादा साधु संत शामिल हैं। बड़े बड़े संतों ने इस अभियान को आशीर्वाद दिया है और वो इसमें शामिल हुए। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी जी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय मुरारी बापू, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, एक बहुत बड़े संत हैं इस देश में डॉक्टर प्रणव पंड्या। ऐसे 70 से ज्यादा संतों ने भारत स्वाभिमान में शामिल होकर ये कसम खाई है कि 2014 के चुनाव में अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सभी 70 संत देश भर में घूमेंगे और 400 तो क्या, ये 500 सांसदों को जिता के ले आएंगे। तो सांसद तो जीतेंगे, कानून तो बनेगा और 330,00,000 करोड़ रुपए विदेशों से हम वापस लाएंगे। अब इस 330,00,000 करोड़ रुपए को भारत के गांव-गांव में बांट दिया जाए तो हर गांव को विकास के लिए 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हर गांव को 100 करोड़। अगर इस पैसे को जिले में बांट दिया जाए तो भारत के हर जिले को 50,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अगर इस पैसे से सोना खरीद लिया जाए तो भारत के हर परिवार को 100 किलो सोना दान में दिया जा सकता है। ये इतनी बड़ी रकम, एक एक परिवार को 1 क्विंटल सोना मिल जाए, इतनी बड़ी रकम है। और इस रकम का सोना हम खरीदें और भारत के हर गांव की सड़क पर सोना बिछा दें तो 6,38,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन जाएगी। इतनी बड़ी रकम है ये, माने भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, इतना बड़ा धन है ये। और इस धन को वापस लाना है, वापस लाके इसको गांव के विकास में लगाना है। गांव का विकास क्या करना है, हर गांव में 100-100 उद्योग लगाने हैं। भारत के हर गांव में 100-100 उद्योग लगाने हैं जिसमें 64 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिले, तो बेरोजगारी खत्म हो और गरीबी भी खत्म हो। रोजगार कैसे मिलेगा, उद्योग कैसे लगाएंगे? भारत में करीब 4,00,000 गांव हैं जहां पर कपास पैदा होती है और जिन जिन गांव में कपास पैदा होती है वो सभी गांव में हम चरखा चलाएंगे, सूत बनाएंगे, खादी बनेगी और वो खादी भारत और दुनिया भर में बिकेगी
और महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा। महात्मा गांधी कहा करते थे, भारत का हर गांव खादी बनाए और खादी पहने तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी खत्म होगी। ये महात्मा गांधी का सपना हम पूरा करेंगे। भारत के लगभग 5 लाख गांवों में करीब 48 करोड़ जानवर हैं। बकरी, बकरा, गाय, बैल, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, हाथी सब मिला के ये जो जानवर है ना, इनका जो गोबर निकलता है, गाय बैल भैंस का गोबर, उसमें से गैस बनती है और उस गैस को मीथेन गैस कहते हैं। वो गैस को किसी सिलेंडर में भर दें और सिलेंडर को गाड़ी में लगा दें तो गाड़ी उस गैस से चलती है, फिर डीजल पेट्रोल नहीं चलाना पड़ता। भारत की 1 करोड़ गाड़ियां हम चला सकते हैं। गाय बैल भैंस का इतना गोबर हमारे पास है तो हमारी योजना है कि हर गांव में गाय बैल भैंस का गोबर इकट्ठा करके गैस निकालने का प्लांट लगाएंगे, गोबर गैस प्लांट, और उससे सिलेंडर भर के भारत की 1 करोड़ गाड़ियां चलाएंगे और जो गोबर गैस बचेगी तो उससे गांव गांव में बिजली पैदा करने का काम करेंगे और इस काम में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसे एक योजना है हमारी, 3.5 लाख गाँव है करीब जहाँ गेहूँ पैदा होता है, जहाँ गेहूँ पैदा होता है वहाँ गेहूँ का आटा बनवाएंगे गाँव गाँव में, क्योंकि गेहूँ बेचो तो 10 रुपए किलो बिकता है और गेहूँ का आटा बेचो 26 रुपए किलो बिकता है। तो किसानों से कहेंगे गेहूँ मत बेचो, गेहूँ का आटा बेचो, तो गाँव गाँव में आटा बनाने की हाथ चक्की चलवाएंगे और उससे आटा बना के 26 रुपए किलो बाजार में बिकेगा तो किसानों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। ऐसे ही भारत के हर गांव में तेल पैदा करने के लिए कोल्हू चलवाएंगे, तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। हर साल करीब हमको 56,000 करोड़ के तेल की जरूरत पड़ती है और ये गांव गांव में कोल्हू से निकलवाए तो करोड़ों भाई बहनों को रोजगार मिलेगा। ऐसे हर गाँव में 100 उद्योग लगाएंगे और इस उद्योग को चलाने में 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और 10 लाख करोड़ की रकम कोई बड़ी रकम नहीं है क्योंकि अपने पास 330 लाख करोड़ विदेशों से आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा तो 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे उसमें तो गरीबी और बेरोजगारी खत्म होगी। फिर हर गांव में पक्की सड़क बनानी है, हर गांव को 24 घंटे बिजली देनी है, हर गांव में हॉस्पिटल बनाना है आयुर्वेद का, हर गांव में स्कूल कॉलेज बनाना है, हर गांव में सारी सुविधाएं बनानी है जो शहर के लोगों को, गांव के किसानों के खेत को पानी देना है इसके लिए हर गांव में तालाब बनाने हैं। हमारे देश में बारिश का 85% पानी बेकार बह जाता है, इस पूरे पानी को गांव गांव में इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाएंगे, उन तालाबों से किसानों के खेत की सिंचाई होगी तो खेत का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। ऐसी हमने 64 योजनाएं बनाई हैं, वो सारे देश में लागू करेंगे और इन योजनाओं के लागू होने पर मुश्किल से 30-35 लाख करोड़ का खर्च होगा, हद से हद 50 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा और ये खर्च कर देंगे क्योंकि 330 लाख करोड़ रुपए अपने पास होगा। और ये खर्चा करें 50 लाख करोड़ का तो भी 280 लाख करोड़ बचेगा, उस बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दें भारत माता के नाम से तो उसका हर साल का ब्याज 28 लाख करोड़ रुपए मिलेगा और इतना ब्याज अगर देश को मिले तो भारत में किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे देश के टैक्स माफ कर दिए जा सकते हैं और टैक्स माफ हो जाएंगे तो महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी देखो हमारे यहाँ पेट्रोल मिलता है 60 रुपए लीटर, अगर टैक्स माफ हो जाए तो ये पेट्रोल मिलेगा 16 रुपए 80 पैसे लीटर। अभी डीजल है 40 रुपए लीटर, टैक्स माफ हो जाए तो डीजल मिलेगा 7.5 रुपए लीटर। अभी केरोसिन मिलता है मिट्टी का तेल 20 रुपए लीटर, अगर टैक्स माफ हो जाए तो ये 3-3.5 रुपए लीटर मिलेगा। अभी जो रसोई गैस का सिलेंडर है 370 रुपए का, टैक्स माफ हो जाए तो ये 55-60 रुपए का हो जाएगा। अभी नमक है 8 रुपए किलो, टैक्स माफ हो जाए तो ये 50 पैसे किलो हो जाएगा। आप अभी घर बनाते हैं तो आपका घर बनाने में 10 लाख रुपए खर्च होता है, टैक्स माफ हो जाए तो ये घर 3 लाख में ही बन जाएगा क्योंकि सीमेंट सस्ता, लोहा सस्ता, ईंट सस्ती।
अभी सीमेंट आता है 250 रुपए का 50 किलो, टैक्स माफ हुए तो सीमेंट आएगा 72 रुपए का 50 किलो, लोहा है 50 रुपए किलो, टैक्स माफ हो जाए तो हो जाएगा 12 रुपए किलो, हर चीज सस्ती हो जाएगी, पढ़ाई सस्ती होगी, दवाएं सस्ती होंगी, हर चीज सस्ती होगी, और जब सब चीजें सस्ती होंगी तो हर व्यक्ति के जीवन का खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो आमदनी ज्यादा होगी और बचत ज्यादा होगी और देश की समृद्धि बढ़ेगी और संपत्ति बढ़ेगी। हमें ऐसा देश बनाना है और हमने हिसाब निकाला कि 2-3 साल में सारे देश का विकास हो जाएगा, फिर उसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनसे हम दोस्ती बढ़ाएंगे, जैसे नेपाल, जैसे बांग्लादेश, जैसे भूटान, जैसे बर्मा, ऐसे 70 देशों से दोस्ती बढ़ाएंगे और उनकी थोड़ी मदद करेंगे पैसे से, तब ये 70 देश हमारे दोस्त हो जाएंगे। इन 70 देशों की मदद से संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भारत के समर्थन में एक प्रस्ताव पास कराएंगे कि भारत की जितनी जमीन चीन के कब्जे में है और पाकिस्तान के कब्जे में है वो सारी जमीन भारत को वापस दे दी जाए। करीब 1,00,000 वर्ग मील जमीन हमारी विदेशियों के कब्जे में है, वो पूरी जमीन हमें वापस लेनी है। हमारा कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थान चीन के कब्जे में है, इसे वापस लेना है। हमारा पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके का कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, इसे वापस लेना है। और ये वापस लेकर भारत के हजारों हजारों सैनिकों के बलिदान को, जो इस जमीन की रक्षा करने के लिए हुआ है, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 1,00,000 वर्ग मील जमीन विदेशियों से अपने देश की वापस लाएंगे। और हम एक काम करने वाले हैं कि अंग्रेजों ने 250 साल हमारे देश में से जो धन लूटा है वो सारा धन ब्याज सहित वापस लाना है। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंहासन लूटा, अंग्रेजों ने हमारे सोने के मंदिर लूटे। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, वो पानी के 900 जहाज भर के सोने के सिक्के लूट ले गया यहाँ से। ये सारा धन वापस लाना है और ये धन 450,000,000,000,000 का है और ये धन सोने के रूप में वापस लाना है। और ये 450,000,000,000 का सोना अगर भारत में आ गया तो एक ही रात में क्रांति होगी, भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी 1 डॉलर में 50 रुपया है, फिर 1 डॉलर में 1 रुपया हो जाएगा और जैसे ही भारत का रुपया डॉलर के बराबर आया तो जितना निर्यात अभी हम कर रहे हैं वो निर्यात 50 गुना बढ़ जाएगा। आज हमारी निर्यात की आमदनी 800,000,000,000 की है, फिर वो 400,00,000,000,000 की हो जाएगी। फिर विदेशों में रहने वाले जो भारतवासी हैं ये सब वापस भारत में आ जाएंगे क्योंकि रुपए की ताकत डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। और भारतवासी वापस आएंगे तो उनका दिमाग, उनकी बुद्धि वापस आएगी और उन दिमाग और बुद्धि वाले भारतवासियों की मदद से हम नए नए संस्थान खड़े करेंगे। अमेरिका में नासा नाम की एक संस्था है जहाँ पर 36% भारतवासी वैज्ञानिक हैं। अगर ये सब वापस आ जाएं तो नासा जैसी 100 संस्थाएं हम बना सकते हैं। और भारतवासी वापस आएंगे तो नई मशीनें बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, पूंजी हमारे पास है, भगवान के दिए गए प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, मेहनती लोग हमारे देश में हैं, तो हम तो भारत को इतना विकसित करेंगे कि ये भारत एक दिन सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाएगा। भूतकाल में भारत सोने की चिड़िया था, भविष्य में सोने का शेर बनेगा, ऐसा भारत हमें बनाना है। और इसी भारत को बनाने के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान है। आप इस अभियान में थोड़ी हमारी मदद करो। आप बोलोगे क्या मदद करें, हम भारत में 10 करोड़ लोगों का संगठन खड़ा कर रहे हैं, आप एक एक व्यक्ति हमारे संगठन के मेंबर बनो। और भारत स्वाभिमान का सदस्य बनने के लिए सिर्फ 11 रुपए का दान देकर आप सदस्य बन सकते हैं। हमने हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो योग शिक्षक हैं, सबको रसीदें दे रखी हैं। वो रसीदें आप कटवाओ, 11 रुपए दान करके आप भारत स्वाभिमान के मेंबर बनते जाओ। हमें सहरसा जिले में 10-15 लाख मेंबर बनाने हैं और आप एक एक व्यक्ति उसमें मदद करोगे तो बहुत बड़ा योगदान आपका होगा।
और ये मेंबर बना के 10 करोड़ की ताकत खड़ी करनी है और ये भ्रष्ट और बेईमान नेता और अधिकारियों को ऐसा सबक सिखाना है कि ये या तो सीधे हो जाएंगे नहीं तो भारत छोड़कर भाग जाएंगे जैसे अंग्रेज यहाँ से भागे।